ओम शांति। आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सीधे सुधे ट्रुथ लाइज विद इन में। और आज हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग पहले दिन की, डे 1, दैट मीन्स मार्च का पहला दिन। तो शिवरात्रि के दिन पर परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को किस प्रकार से घर में परमात्मा की रोशनी, परमात्मा का ज्ञान इस्तेमाल करना, यूज़ करना और अपने घर में शांति को कैसे बरकरार रखना, उसके लिए हमें सिखाया हुआ है ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो कैसे परमात्मा शिव या भोलेनाथ की मदद से या उनके ज्ञान की मदद से हम कोई भी विघ्न को विनाश कर सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं आज के वरदान में, निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले। निमित्त मीन्स मैं तो केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ, मुझे यूज़ करने वाले परमात्मा हैं, गाइड करने वाले वो हैं, काम करवाने वाले वो हैं, करण करावनहार वो हैं। मैं आत्मा अपनी बुद्धि से नहीं, क्योंकि अपनी जब बुद्धि लगाते हैं तो हमारे अंदर क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, हम नेगेटिव यूज़ कर लेते हैं। तो हम परमात्मा की बुद्धि के अनुसार कर्तव्य करेंगे, उनकी गाइडेंस, उनके दिए हुए ज्ञान के अनुसार, गुणों के अनुसार, शक्तियों के अनुसार हम उस कर्तव्य को पूरा करेंगे। चाहे वो अपना घर का काम कर रहे हों, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हों, चाहे फिर बिजनेस में काम कर रहे हों। तो निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास होने वाले, एवर रेडी नष्ट मोहा भवा। अब एवर रेडी क्यों कहा है? एवर रेडी इसलिए कहा है क्योंकि किसी भी समय किसी भी आत्मा से या किसी भी सिचुएशन में हमें धक्का लग सकता है। तो क्या हम एवर रेडी हैं? धक्के किस प्रकार के लगते हैं उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे, और नष्ट मोहा होने के लिए कहा है वो भी हम यहाँ पे समझेंगे। बाबा कहते हैं एवर रेडी का अर्थ ही है नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। सारी चीज़ों से, व्यक्तियों से, चाहे वो परिवार हो, चाहे आपकी पोस्ट पोजीशन के अनुसार आप किन किन लोगों के बॉस हैं, किस बिजनेस में आप हैं और बिजनेस वालों के कंपैरिजन में आप कहाँ हैं, उन सारी बातों से नष्ट मोहा। तो नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, इस समय कोई भी संबंधी अथवा वस्तु याद ना आए। अभी जो कलयुग अंत का समय चल रहा है, इस समय कभी भी अचानक कुछ भी हो सकता है। जैसे कोविड हुआ था, काफ़ी सारे शरीर वाले संबंधी जो हैं उन्होंने शरीर छोड़ा, किसी ने कोई संबंधी थे उसने शरीर छोड़ा, कहीं आसपास के लोगों जो आपके दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उस समय अगर आपके अंदर नष्ट मोहा नहीं होगा तो आप हाय हाय का गीत गाएंगे। परमात्मा कहते हैं उस समय हमें न्यारा होना चाहिए और परमात्मा का प्यार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप मदद ना करें उस फैमिली की, अपने फैमिली मेम्बर की आप सोचें ना कि उसकी डेथ हुई है तो मुझे सारा काम क्रियाएँ करनी है सारी, वो नहीं। परमात्मा कहते हैं कर्तव्य करते हुए। फिर बाबा कहते हैं किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। लगाव ना हो माना कि हम अगर हाय तौबा करेंगे, टेंशन में आएंगे, स्ट्रेस में आएंगे, वो क्यों आते हैं? मेरी फैमिली, मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मेरा हस्बैंड, क्या होगा इनका, कैसे होगा, कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, हाँ ये क्या हो गया, हाँ ये लॉस क्यों हो गया, हाँ ये कमी कमजोरी क्यों होगी, हाँ ये उसके शरीर में ये प्रॉब्लम क्यों आ गई, हाँ ये बीमारी क्यों आ गई, ये क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप बॉस हैं बिजनेस में, हाँ ये लॉस क्यों हो गया, हाँ इसने कि ऐसा क्यों कर दिया, या मेरा आइडिया क्यों नहीं यूज़ किया गया, उससे भी मोह नष्ट हो हमारा। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो हमें उतार चढ़ाव के मूड में लाती हैं, और फिर उस उतार चढ़ाव के मूड में होते समय हम राइट नाउ अभी जो सामने सॉल्यूशन है उसको हम देख नहीं पाते हैं। तो हाय दबा करते हुए हमारी एनर्जी लेवल्स नीचे आती हैं और सामने सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम का, फटाफट उसमें आप कर सकते हैं सॉल्यूशन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाय तौबा होने के कारण आप नहीं कर पाते हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए जिसका आपकी फैमिली से कोई संबंध ना हो, कोई उसके साथ में मोह ना हो, वो अचानक से आपको कह सकता है अरे ऐसे करो ना फटाफट ये ठीक हो जाएगा आपका, क्यों? क्योंकि उसकी उसकी फीलिंग्स अटैच नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं हमें भी इसी प्रकार से फीलिंग्स ना अटैच करके अगर हम घर परिवार में, फैमिली में, बिजनेस में या अपने जॉब में रहें तो हम औरों को अच्छे से गाइड कर पाएंगे। लेकिन अगर फेवरेटिज्म है, किसी से बहुत ज़्यादा मोह है, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है, उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ गलत कर दिया, या उसकी अगर हालत ठीक नहीं है, चाहे वह संबंध से हो, चाहे रिलेशनशिप कहें, या हेल्थ से हो, या फाइनेंशियल हो, तो फिर आप फीलिंग्स में आएंगे और फिर गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। तो बाबा कहते हैं किसी में भी लगाव ना हो, सबसे न्यारा और सबका प्यारा। इसका सहज पुरुषार्थ है निमित्त भाव, कि परमात्मा मुझे इंस्ट्रूमेंट बना करके सेवा करवाएंगे। तो डिटैच हो जाए कुछ समय के लिए उस सिचुएशन से, उस व्यक्ति से। निमित्त समझने से
निमित्त समझने से निमित्त बनाने वाला याद आता है, कौन? परमात्मा पिता। और फिर वहां से शक्ति लेकर के हम उस कार्य को करते हैं। अगर ये सोच ले कि मैं कर रहा हूँ, मैं ही ठीक कर पाऊंगा, मेरा परिवार है, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरा बिजनेस है या मेरी जॉब है, मैं बॉस हूँ, मुझे पता है क्या करना है, तो परमात्मा कहते हैं कि उसमें अहंकार के कारण बहुत चीज़ें बिगड़ सकती हैं। तो मेरा परिवार है, मेरा काम है, नहीं, मैं निमित्त हूँ। इस निमित्तपन की स्मृति से हर पेपर में पास हो जाएंगे। कभी कभी हम औरों को नाराज़ भी कर देते हैं, मेरा परिवार, मेरा आइडिया, मेरी सोच, और किसी और के पास में हो सकता है आइडिया भी अच्छा हो, लेकिन आपने मेरापन कर लिया, आपने आकर के उसमें मोह दिखाया, दूसरे के पास में आइडिया था, वो हमने यूज़ नहीं किया, उस कारण से नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए डिटैच होकर के, सबकी सुन करके आगे बढ़ना बेटर रहेगा। तो आज का ये शुरू वरदान आपको अगर अच्छा लगा हो तो और के साथ भी शेयर करें, और साथ ही साथ इसको और गहराई से समझने के लिए और इस पर मेडिटेशन कैसे करते हैं उसके लिए आपको ब्रह्मा कुमारी इसका 7 डे कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। ओम शांति।